जशपुर मामले में सीएम योगी ने किया ट्वीट, मामले में जताया शोक, सीएम ने की कार्रवाई की मांग। अमेठी में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, बच्चे की हालत नाजुक, मेले देखने के दौरान आरोपी ने दिया था वारदात को अंजाम। बदमाशों ने की दुकानदार से मारपीट, पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद, पीड़ित ने की मामले में पुलिस से शिकायत। बेगूसराय में चोरों का आतंक जारी, घर का ताला तोड़ कर दिया चोरी की घटना को अंजाम, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। खबरों का रुख कर लेते हैं। बिहार के बेगूसराय में बीती रात चोरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि घटना नगर थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर की है, जहां पर चोरों ने रिटायर्ड सैनिक मुकेश कुमार के घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात समेत नकदी की चोरी कर ली है। वहीं पीड़ित ने बताया कि बीती रात को चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो बेगूसराय का पूरा मामला है, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से चोरी की घटना के बाद घर में फैला सामान नजर आ रहा है। हालांकि घर पर ताला लगा हुआ था, घर के सभी लोग कहीं पर गए हुए थे, जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है और सामान पूरी तरह से इधर उधर बिखरा पड़ा था। अपने घर से 5 मिनट की दूरी पर मेरे माता पिता का घर है, वहाँ गई थी और जब मैं वापस आई हूँ तो मेरे घर का ताला टूटा हुआ था और अंदर से घर लॉक था। फिर चारों तरफ देखने के बाद और खिड़की से मैंने झांक के देखा अपने बेडरूम में, तो मेरा रूम का पूरा लॉकर खुला हुआ था, सामान सारा बिखरा हुआ था। फिर जब मैं पीछे के दरवाज़ा को तोड़ के वो लोग ताला तोड़ के भाग गए थे, उधर से जब हम लोग अंदर आए हैं तो पूरा सारा सामान बिखरा पड़ा है। बिहार के सासाराम में महाल गांव के करूप टोला में एक राशन दुकानदार की ओर से उधार का पैसा मांगने पर दुकानदार और उसके परिजनों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आपको बता दें कि घायल राजू चौधरी ने बताया है कि उसके दुकान से कुछ लोगों ने उधार में अनाज लिया था, जिसका पैसा मांगने पर उसके साथ मारपीट की गई। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे उसके परिजनों को भी घायल कर दिया गया। फिलहाल उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से करती है। तो पूरा मामला है जहां पर पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट की गई है और पीड़ित की ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। सर दुकान मेरा है, उसमें पैसा है तो मांगने पर पीटने से क्या हो गया? घाई लिया था मांगने पर पीटने से। क्या उधर लिया थे? राशन। आपका नाम? राजू। कौन गांव? जंगल महाल करूटोला। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ रोहतास से हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, ये पैसे के लेन देन को लेकर मामला था जहां पर उधार के पैसे ना देने को दुकानदार की पिटाई की गई है, कैसी अभी हालत बताई जा रही है दुकानदार की? दुकानदार की हालत चिंताजनक नहीं है, अभी किसी नहीं है, बल्कि बस ये उधार जैसे अनाज दिए थे, अनाज का उधार मांग पैसा करने के लिए गए थे, उसी दौरान ये मारपीट की गई है उनके परिजनों। चलिए ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रोहतास का पूरा मामला है जहां पर पैसे के लेन देन को लेकर दुकानदार के साथ ये मारपीट की गई है। आपको बता दें कि कुछ लोग कुछ दिन पहले अनाज लेके गए थे दुकानदार से, जिसके बाद दुकानदार ने जब पैसे मांगे तो दुकानदार को लोगों ने पीट दिया। वहीं बीच बचाव करने के लिए जब परिजन पहुँचे तो परिजनों को भी पीट पीट कर घायल कर दिया है।
खबर सासाराम से है, जहां सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के राम जानकी तालाब से एक अज्ञात शव बरामद किया गया है। वहीं लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी कि कलेक्ट्रेट के पास में स्थित राम जानकी तालाब में कोई शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पानी से निकाला। फिलहाल शव की पहचान की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि मृतक की उम्र 30 से 35 साल के बीच बताई जा रही है। तो रोहतास का पूरा मामला है, जहाँ पर पुलिस अब जांच कर रही है। तालाब में दरअसल एक अज्ञात शव मिला। जब वहां पर लोग मौके पर पहुंचे आसपास के, तो उन्होंने पुलिस को इस पूरी जानकारी दी कि तालाब में किसी का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकाला। हालांकि ये शव किसका है और कैसे उसकी वो तालाब में डूबा, क्या कुछ हुआ, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जो शव देख कर लग रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो किसी का शव है उसकी उम्र 30 से 35 साल के बीच में है। सासाराम में बीपीएससी की परीक्षा में इस बार टॉपर हुए गौरव सिंह अपने गांव शिवसागर के चमराहा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं सभी देते हुए उन्हें नजर आए। आपको बता दें कि इससे पहले पूरे गांव में गौरव के सम्मान में जुलूस भी निकाला गया, जहां लोगों ने गौरव सिंह की जय जयकार भी की। वहीं बीपीएससी की परीक्षा में अव्वल रहे गौरव सिंह ने बताया कि भारतीय संस्कृति में पारिवारिक ढांचा इतना मजबूत होता है कि उनके पिता के निधन के बाद भी उन्हें कभी भी परिवार की कमी महसूस नहीं हुई और अपनी ननिहाल में रहकर ही उन्होंने पूरी पढ़ाई की है। सबसे पहले तो दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं और संदेश कुछ खास नहीं है, बस आप दशहरा को एंजॉय करें और अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूशन दें। जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए संदेश क्या देना चाहिए? जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो या बीपीएससी टॉपर हैं और आप लोगों के लिए संदेश क्या देंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये जो यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी है, थोड़ा समय लगता है, तो मैं ये कहना चाहूंगा आप पेशेंस रखें। एक दो बार हो सकता है फेल हो जाए, तो उसे सीखें फेलियर से और आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सर, जैसे कि सुनने में आया कि आपके बहुत छोटे से थे, आपके पिताजी का साया उठ गया और अपने मामा के यहाँ रहकर आप शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए, सर इतना लंबा सफर करने में आपको कितना कठिनाई हुआ, कैसे सफर किए? सर, देखिए, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूँगा, जो हिंदुस्तान का जो कल्चर है सर ना, वो फैमिली बेस्ड है, तो यहाँ पे अगर पिताजी नहीं भी है तो आपको फैमिली का कमी शायद, मतलब बहुत ही ऐसा नहीं होगा कि आपको फैमिली कमी का एहसास होगा। हिंदुस्तान इस मायने में बिल्कुल यूनिक है कि हमारे पास एक ऐसी फैमिली है, यहाँ तक कि अगर पापा मम्मी भी नहीं है तो आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि वो लोग नहीं है। रोहतास के नासरीगंज थाना क्षेत्र के अमियावर में सोन नदी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अमियावर गांव के सुनील चौधरी के 35 साल का बेटा नदी में मछली पकड़ने के लिए गया था कि इसी दौरान उसका पैर पानी में फिसल गया, जिसके चलते वो पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है, साथ ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो रोहतास का पूरा मामला है, जहां पर नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक युवक वहां पर मछलियों के लिए गया था और ऐसे में उसका वहां पैर फिसल गया, जिससे वो नदी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। तो नदी में मछली मारने के दौरान घटना घटी। हाँ, इसके बाद सासाराम सदर हॉस्पिटल लाया गया। किस लिए? पोस्टमार्टम के लिए। कौन गांव? अमियावक थाना नासरी गांव। यूपी के आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन के लिए गए 5 लोग नदी में डूब गए, जिससे कि उनकी मौत हो गई। वहीं मारने वाले लोगों में से 2 सगे भाई और 3 पड़ोसी बताए जा रहे हैं, जो कि जगनेर भवनपुरा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। तो आगरा का ये पूरा मामला है, जहाँ पर कल मूर्ति विसर्जन के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल ये मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ, जहां पर पानी में डूबने से 5 लोगों की जान चली गई है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों की जान गई है उसमें से 2 सगे भाई भी हैं।
तो आगरा का ये पूरा मामला है जहां पर कल ये पूरा हादसा हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं कि वहां पर कितनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए जब इनको जानकारी मिली कि 5 लोग डूब गए हैं। और ऐसे में जब पुलिस ने उनको गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला तो सभी की मौत हो चुकी थी। दरअसल सभी मूर्ति विसर्जन के लिए वहां पर पहुंचे थे जिससे कि वो वहां पर नदी में डूब गए जिससे उनकी मौत हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि मरने वालों में 2 सगे भाई और 3 पड़ोसी बताए जा रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से हमारे संवाददाता राजकुमार तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, मूर्ति विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है, 5 लोग नदी में डूब गए जिससे उनकी जान चली गई, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जगले थाना क्षेत्र से भवनपुरा गाँव के रहने वाले जी लोगों का है। जब मूर्ति विसर्जन के लिए भूपेश्वर बसेड़ी राजस्थान गए हुए थे जी, मूर्ति विसर्जन के दौरान अनियंत्रित होकर ये लोग पार्वती नदी में गिर गए थे जहां 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। जी बिल्कुल राजकुमार, तो क्या पहले से वहां पर कोई इंतजाम नहीं किए गए थे? क्या कोई भी सुरक्षा कर्मी वहां पर नहीं था? देखिए, मैं आपको बता दूं, सुरक्षा कर्मी थे, बताया जा रहा है कि जैसे ये नहाने के लिए गए थे इसमें गिरने से इनकी मौत हुई है। ये राजस्थान का पूरा मामला धौलपुर का, सभी सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो मूर्ति विसर्जन के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है जहां पर 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि जिन लोगों की जान गई है उसमें से 2 सगे भाई थे। अमेठी में एक 7 साल की मासूम के साथ दरिंदे ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बच्ची मेला देखने के लिए गई थी और इसी बीच युवक ने उसके साथ रेप कर दिया। फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो अमेठी का पूरा मामला है जहाँ पर बच्ची के साथ 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। दरअसल कल मेला देखने के लिए बच्ची गई थी जिस दौरान एक युवक बच्ची के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जिसके बाद से ही बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है और इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अमेठी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहपुर में स्वास्थ्य कर्मियों का नया कारनामा सामने आया है जहां आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकारी अस्पताल की लाखों रुपए की दवाएं अस्पताल प्रांगण में जुलाकर राख के ढेर में तब्दील कर दी हैं। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो अमेठी का यह पूरा मामला है जहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों ने लाखों की दवाएं जला दी हैं और ऐसे में इससे स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें के ये अमेठी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहपुर में का पूरा मामला है जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों का ये कारनामा सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि दवाएं क्यों जलाई गई इस बात की अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ अमेठी से हमारे संवाददाता रणविजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणविजय, अमेठी का ये पूरा मामला है जहां पर लाखों की दवाएं जलाई गई हैं, आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों ये दवाई जलाई गई हैं? जी, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि लगातार देखा जाता है सरकारी अस्पतालों में जो दवाएं उपलब्ध रहती है उसके बावजूद भी नहीं दी जाती, बाहर के लिए लिखी जाती है। तो कहीं ना कहीं से यह स्वास्थ्य विभाग की बहुत ही बड़ी लापरवाही है जो कि देखने को आज सिंहपुर ब्लॉक में देखने को मिली है। जी बिल्कुल रंजीत जी, और इस पूरे मामले में क्या कुछ अभी कार्रवाई की जा रही है? जी, अभी ऐसी कोई कार्रवाई के लिए कोई भी बात कहीं से नहीं आई है सामने, जबकि हमने कई बार कोशिश भी की कि सीएमओ से बात की जा सके, लेकिन अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया उधर से नहीं जारी की गई। चलिए रणविजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अमेठी का पूरा मामला है जहां पर लाखों रुपए की दवाएं जलाने का मामला सामने आया है जिससे पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर दौरा है और बता दें आपको कि पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही वो मेडिकल कॉलेज परिसर का भी निरीक्षण करेंगे, साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में लखीमपुर खीरी जैसी घटना के बाद सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि यहां सड़क पर पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को पीछे से आ रही कार ने रौंद दिया था, जिसमें की मौत हो गई थी और 20 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए शोक जताया और कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि जशपुर में एक धार्मिक जुलूस पर अनियंत्रित वाहन द्वारा लोगों के कुचल जाने के कारण दुर्घटना में हुई मृत्यु अत्यंत दुखद है। इसके आगे सीएम ने लिखा कि छत्तीसगढ़ सरकार से घायलों को समुचित उपचार की व्यवस्था करने और पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने की अपेक्षा है। तो जशपुर का ये पूरा मामला है जहां पर कल ये बड़ा हादसा हुआ, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, साथ ही सरकार पर तो निशाना साधा ही है, छत्तीसगढ़ सरकार पर उनसे कार्रवाई की मांग करते हुए घायलों के इलाज की भी बात की है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। खबरों की माने तो मुठभेड़ पंपोर इलाके में हो रही है और जवान मोर्चे पर हैं। वहीं सुरक्षा बलों के साथ पंपोर में जारी मुठभेड़ में लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक घिर गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस को जिन टॉप 10 आतंकियों की तलाश थी, मुश्ताक उनमें से ही एक बताया जा रहा है और ये श्रीनगर में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में भी शामिल रहा है। विजयदशमी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 96वें स्थापना दिवस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आपको बता दें कि उनके भाषण पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ओवैसी ने कहा कि भागवत का भाषण झूठ और अर्ध सत्य से भरा था। ओवैसी एक के बाद एक ट्वीट कर भागवत द्वारा भाषण में जनसंख्या नीति अनुच्छेद 370 पर की गई बातों की आलोचना करते रहे। उन्होंने ट्वीट में कहा कि हमेशा की तरह RSS प्रमुख मोहन भागवत का भाषण झूठ और अर्ध सत्य से भरा हुआ था। तो आपको बता दें कि मोहन भागवत ने कल 96वें स्थापना दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित किया था। उस पूरे भाषण को लेकर ओवैसी ने उन पर यह तंज कसा है, निशाना साधा है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए भागवत पर निशाना साधते हुए लिखा कि उनका भाषण झूठ और अर्ध सत्य से भरा था। आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक ट्वीट करते हुए ओवैसी ने मोहन भागवत को घेरा और साथ ही कहा कि जिन जिन बातों का उन्होंने भाषण में इस्तेमाल किया, जिन जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया अपने भाषण के दौरान, उन वो सभी बातें झूठ हैं। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने अपने भाषण के दौरान जनसंख्या नीति अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों पर बात की थी, जिनको लेकर उनकी आलोचना ओवैसी ने की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अपने भाषण में जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है। पुणे हवाई अड्डे से 14 दिनों के लिए आज से बंद रहेगा। आपको बता दें कि रनवे और ग्राउंड के रखरखाव कार्यों के लिए 29 अक्टूबर तक हवाई अड्डे पर विमानों का संचालन नहीं होगा। वहीं भारतीय वायुसेना यानी कि IAF रनवे की मरम्मत का काम करेगी। हालांकि इस दौरान कोरोना टीकाकरण की सप्लाई बंद नहीं होगी। वहीं मिली जानकारी के अनुसार रनवे की मरम्मत का काम इसी साल अप्रैल महीने में करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उस वक्त उसे रोक दिया गया था, जिसके बाद अब
मरम्मत का काम कराया जाएगा। तो आज से 14 दिनों तक के लिए पुणे एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद रहेगा। वहां पर विमानों का संचालन नहीं होगा, लेकिन टीकाकरण बंद नहीं होगा। इस वजह से दरअसल मरम्मत का काम रनवे का चल रहा है। ये काम अप्रैल के महीने में होना था, लेकिन उस समय नहीं हो पाया था, जिसके बाद अब इस काम को अब कराने का फैसला लिया गया है। और इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 14 दिन तक ये काम चलेगा और 29 अक्टूबर तक संचालन विमानों का पूरी तरह से बंद रहेगा। मथुरा के थाना परा इलाके में करोड़ों रुपए के मोबाइल से भरे कैंटर की लूट की घटना से सनसनी फैल गई है। वहीं मामले की जानकारी के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे ग्रेटर नोएडा के कासना स्थित ओप्पो फैक्ट्री की ओर से करीब 7 करोड़ रुपए के मोबाइल बेंगलुरु के लिए कैंटर से भेजे जा रहे थे। इसी बीच बदमाशों ने हमला बोलते हुए कैंटर को लूट लिया और मौके से फरार हो गए हैं। तो मथुरा का ये पूरा मामला है, जहां पर लगातार हौसले बदमाशों के किस तरह से बुलंद हैं वो इस घटना से ही देखा जा सकता है। दरअसल ओप्पो और वीवो के मोबाइल से भरा एक कैंटर बेंगलुरु के लिए जा रहा था और उसमें मोबाइल जितने थे उनकी कीमत 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और पहले से ही घात लगाए बैठे बदमाशों ने इस पूरे कैंटर को लूट लिया है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि 5 अक्टूबर का ये मामला है, लेकिन अब भी 10 से 11 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ अभी भी खाली ही हैं। ग्रेटर नोएडा में आए दिन गाड़ी में बिठाकर लूट करने वाले गैंग की तरफ से लूट की वारदातें सामने आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि पेचकस गैंग ने भी पुलिस के सर में दर्द करके रखा है, जिसको लेकर पुलिस ने लोगों को जागरूक करना भी शुरू कर दिया है। वहीं ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 थाना पुलिस ने परी चौक पर लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं, जिनमें लिखा हुआ है कि वो किसी अनजान व्यक्ति की गाड़ी में न बैठे और बिना बुक करे किसी भी कैब में भी ना बैठे। दरअसल आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में इन दिनों पेचकस गैंग पूरी तरह से सक्रिय है, जो वाहन का इंतजार कर रही सवारियों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने से बिठा देते हैं और उसके बाद उनके साथ लूट की घटनाओं को अंजाम भी देते हैं। तो ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला है, जहां पर पुलिस पूरी तरह से लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। दरअसल पेचकस गैंग पूरी तरह से ग्रेटर नोएडा में सक्रिय है और पुलिस भी उससे निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, हर वो प्रयास कर रही है जिससे जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जा सके और लोगों को बचाया उनसे जा सके। दरअसल ये लोग, इस गैंग के लोग, आपको बता दें कि लोगों को लिफ्ट देने के बहाने से अपनी गाड़ी या अपने किसी अन्य वाहन में बैठा कर ले जाते हैं और बीच रास्ते में जाकर उनसे लूट की घटना को अंजाम दे देते हैं, जिसके लिए पुलिस अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है और उन सभी लोगों को जागरूक कर रही है। पोस्टर लगाकर ये जागरूक किया जा रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको अपने वाहन में लिफ्ट देने के लिए बैठाता है या फिर किसी भी तरह आपको अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है तो आपको उसमें नहीं बैठना और साथ ही बिना बुक की गई कैब में भी आपको नहीं बैठना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।